नमस्कार, इन सभी का आरसीए केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो अपना अनुसंख्यक गुण धर्म कल वाले वीडियो में देखा था, परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है उसकी परिभाषा अपना एक एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध करके देख दी थी। मिश्रण क्या होता है उसकी परिभाषा अपने हो गई थी। ठीक है, आज अपन देखते हैं परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, प्रासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रासरण दाब के नियम के संबंध में एक वैज्ञानिक कहते हैं वान हाफ। कौन थे? वान हाफ। इस वान हाफ नामक वैज्ञानिक को गैसों के नियम थे अपने, उनको विलयन पर लागू किया, जिन्हें बोलते हैं प्रासरण दाब के नियम। ध्यान रखना, परासरण दाब को किस प्रकार से करते हैं? पाई से। परासरण दाब का सिंबल क्या है अपना? पाई। पाई से प्रदर्शित करते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो जब वान हाफ नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो परासरण दाब का नियम दिया था, तो सबसे पहला नियम था अपना वान हाफ बॉयल का नियम। वान हाफ बॉयल का नियम क्या होता है? वान हाफ बॉयल का नियम, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम? पाई समानुपाती सी। पाई क्या है? प्रासरण दाब। सी क्या है? कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। चूंकि हम जानते हैं तनुता या सांद्रता, लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे कर, लिख सकते हैं सांद्रता बराबर वन अपॉन तनुता। तनुता यानी वी वॉल्यूम आयतन, यानी तनुता बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा अपना को बढ़ाना पड़ेगा। यानी सांद्रता बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? वन अपॉन वी। क्या हो जाएगा? पाई बराबर सी या पाई समानुपाती। सी की जगह क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन वी। इक्वेशन नंबर एक दे जाए, ये अपना नियम क्या है? वान हाफ बॉयल का नियम। नंबर दूसरा नियम है अपना वान हाफ दाब ताप नियम। वान हाफ दाब ताप नियम। ठीक है, वान हाफ दाब ताप नियम क्या है वो देखिए। इस नियम के अनुसार किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन का प्रासरण दाब एक निश्चित सांद्रता पर ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती टी। ठीक है, ये अपना हुआ वान हाफ दाब ताप नियम। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपन इन दोनों केसों से एक तरफ आया तो पहली क्वेश्चन थी अपनी पाई समानुपाती वन अपॉन वी, तो दूसरा आ रहा है अपना पाई समानुपाती टी। ठीक, उपरोक्त दोनों नियमों से पाई समानुपाती वन अपॉन वी, दूसरा कह रहा है पाई समानुपाती टी, तो क्या हम लिख सकते हैं पाई समानुपाती
अपॉन वी, पाई समानुपाती टी अपॉन वी, या पाई बराबर एस टी अपॉन वी, पाई बराबर एस टी अपॉन वी, या एस किसको प्रदर्शित करता है, एक समानुपाती स्थिरांक को। एस बराबर क्या है, समानुपाती स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं, विलयन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं, विलयन स्थिरांक, या पाई बी बराबर एफ पी, वे इधर से गुणा करके बी धरा दे, पाई बी बराबर एफ पी। ये अपनी समीकरण आ रही, ये आ रही अपनी एक मोल के लिए, एक मोल के लिए पाई बी बराबर एफ टी, एक मोल के लिए। यदि अपन इसको एन मोल के लिए करना चाहें तो क्या होगा, एन मोल के लिए पाई बी बराबर एन एफ टी, पाई बी बराबर एन एफ टी, एन क्या है, एन मोल से जितने मोल को आती है किसको प्रदर्शित करती है, एन मोल के लिए, एन मोल के लिए एक अपने को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ एस है विलयन स्थिरांक, मैंने उधर लिख रखा है, एक समानुपाती स्थिरांक यानी जो किसको प्रदर्शित करता है, विलयन स्थिरांक को। इसका मान जो गैस स्थिरांक अपन आर उसके समान ही होता है, अतः अपन आर की जगह क्या भी लिख सकते हैं, एस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई वी बराबर एन आर टी, क्या हो जाएगा, पाई वी बराबर एन आर टी। ये भी अपने पराश्रित दाब के लिए पराश्रित दाब के समीकरण को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये अपनी समीकरण एक कौन आ गई, तो पी पाई वी बराबर एन एस टी, या पाई वी बराबर एन आर टी, एक ही बात। तो ये तो देखो पराश्रित दाब के नियमों से संबंध, और अपने टॉपिक में चल रहा था अणुसंख्यक गुण एवं मौलिक द्रव्यमान में संबंध, अणुसंख्यक गुण एवं मौलिक द्रव्यमान में संबंध। तो अपन अणुसंख्यक गुण है प्राशन दाब, तो क्या हो जाएगा, प्राशन दाब एवं मौलिक द्रव्यमान में संबंध, प्रासरण दाब एवं मोलर द्रव्यमान में संबंध। दोनों में क्या संबंध होता है, तो अपना प्राशन दाब से संबंध जो नियत से समीकरण आई थी अपनी, पाई बी बराबर एन एस टी, पाई बी बराबर एन एस टी, या पाई बी बराबर एन आर टी, क्या उसको लिख सकते हैं, पाई बराबर एन अपॉन वी एस टी, वी दर्शाए क्या देंगे, एन अपॉन वी एस टी। क्योंकि एन बराबर क्या होता है, एन बराबर अपना होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, विलय का भार बटे अनुभार। तो क्या हो जाएगा, पाई बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा में एच टी और नीचे अपॉन वी। इस फॉर्मूले की सहायता से अगर आपको किसी विलय का भार व अनुभार, आयतन और टेम्परेचर और विलयन स्थिरांक दे रखा है, तो उसके प्राशन दाब की गणना करेंगे, यानी ये फॉर्मूला अपना प्राशन दाब ज्ञात करने में काम आएगा। यदि आपको विलय का अनुभार निकला इससे, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी एच टी अपॉन पाई इंटू वी। इस फॉर्मूले की सहायता से अपना क्या निकलेगा, विलय का अनुभार। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, इन सबने को न्यूमेरिकल निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो ये तो था अपना प्राशरण दाब। अब इस प्राशरण दाब के आधार पर जो विलयनों के टाइप है, छोटे छोटे दो तीन परिभाषा वो अपन और देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखे हैं संप्राश्री विलयन, यानी इस प्राशरण दाब के आधार पर विलयन, तो सबसे पहला है अपना संप्राश्री, संप्राश्री विलयन। सम यानी समान, सम यानी कहे तो समान, वह विलयन, वे दो विलयन
नियत जिनके प्रार्थना दाब कैसे हो समान हो क्या कहलाते हैं संप्रासरी विलियन। वे दो विलियन जिनके प्रार्थना दाब कैसे हो समान हो क्या कहलाते हैं संप्रासरी विलियन। ध्यान रखना संप्रासरी विलियन की जो मोलर सांद्रता होती है समान होती है, यानी C1 बराबर C2 जो पहला वाले विलियन है उसकी सांद्रता दूसरे विलियन की मोलर सांद्रता क्या होगी बराबर होगी C1 बराबर C2। ठीक है, तो क्या हम सी से क्या लिख सकते हैं N1 upon V1 बराबर N2 upon V2। C बराबर क्या लिखते हो N upon V। C बराबर होता है N upon V। ठीक है, तो C के लिए लिखते हैं N1 upon V1 बराबर N2 upon V2। N1 की वैल्यू अपन ये लिख रहे हैं N1 बराबर भार बटा अनुभार, तो N1 यानी W1 upon M1 into V1 बराबर N2। से क्या लिख देंगे अपन W2 upon N2 V2। यानी इस फॉर्मूले में अपने को संप्रासरी दो दे देगा संप्रासरी विलयन, एक का भार इतना है उसका अनुभार इतना है, दूसरे का अनुभार उसके भार कितना होगा आपस में आयतन देख रहे हैं एक आयतन है दूसरे का आयतन, इसका भार या इसका अनुभार आपस में निकलवा सकता है। तो ये तो था अपना संप्रासरी विलयन जिनकी प्रार्थना दाब कैसे हो समान हो वो क्या कहलाते हैं संप्रासरी विलयन। ठीक है, नंबर दो है अपना अतिप्रासरी विलयन। कौन सा है अतिप्रासरी विलयन, अति पराश्री विलयन। ये सभी किसके आधार पर है पराश्री दाब के आधार पर, अति भिन्न ज्यादा। वे दो भिन्न पराश्री दाब वाले विलयन, वे दो भिन्न पराश्री दाब वाले विलयन जिसमें एक की प्राशन की क्रिया दूसरे के सापेक्ष ज्यादा है, एक की प्राशन दूसरे के सापेक्ष ज्यादा है और दूसरे सापेक्ष विलयन के क्या कहलाएगा अति पराश्री विलयन। ठीक है, और नंबर तीन है अल्पपराश्री विलयन, अल्पपराश्री विलयन। अल्प यानी कम, जिसका पराश्री दाब कैसा हो कम, तो क्या हो जाएगी परिभाषा दो भिन्न पराश्री दाब वाले विलयन इसमें एक की पराश्री क्रिया कम हो दूसरे के सापेक्ष क्या कहलाता है अल्पपराश्री विलयन। ठीक है, तो ये तो अपने पराश्री दाब के आधार पर लिख देते हैं संप्रासरी विलयन जिन दोनों का पराश्री दाब कैसा हो समान हो, अति पराश्री विलयन इसमें एक का पराश्री दाब दूसरे के सापेक्ष कैसा हो ज्यादा तो दूसरे के सापेक्ष क्या कहलाएगा अति पराश्री विलयन, अल्पराश्री विलयन इसका पराश्री दाब कैसा हो कम हो दूसरे के सापेक्ष क्या कहलाएगा अल्पराश्री विलयन। तो यह था अपना लास्ट एंड फाइनल अनुसंख्या गुण कौन सा पराश्री दाब, तो पराश्री दाब क्या होता है उसके नियम क्या होते हैं सब आपने डिटेल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में।